Sometimes you feel like escaping the chaos of these big cities. You feel like to pack your bags and go somewhere to find the peace you need. Whenever I feel like this, I visit my favorite place, Kawaguchiko. तो मैंने अभी एक बाइसाइकिल ले लिया है एंड दिस इज ए इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बिकॉज एज पर माई एक्सपीरियंस ये बहुत अप डाउन है. आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रगल दैट मच वाइल राइडिंग. आई जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय माई राइड. सो मैंने ये इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल लिया है एंड आई विल बी ट्रैवलिंग इन एंड अराउंड कावागुचिको विद दिस बाइसाइकिल. अभी हूँ लेक साइको पे. ये बहुत ही शानदार नज़ारा है यार, मज़ा आ रहा है देख के. बट आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस बिकॉज ये जो एरिया है पीछे में इट्स अ पेड टेंट एरिया. लाइक यू कैन कम एंड बुक फॉर अ टेंटिंग ओवर हियर बट आई कैन नॉट गो इनसाइड बिकॉज आई हैवन बुक्ड इट. बट बहुत ही खूबसूरत एक नंबर. So right now I am on the other side of Lake Saiko and यहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं है thankfully. And this is the lake and that is Mount Fuji and this is just a beautiful view. सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और अभी भी सनराइज़ हुआ नहीं है और बाहर अभी टेम्परेचर है 0 degrees. बट इट्स फील्स लाइक इट्स -4 or -5 बिकॉज ऑफ विंड. हाँ इट्स एक्सट्रीम कोल्ड बट सनसेट तो ज़रूरी है. सो करेंटली आई एम गोइंग टू नियर द लेक
to see the sunrise, and sunrise in Mount Fuji looks very amazing. So I want to capture that. तो इसके लिए just let's go. I'll take my bicycle and जाते हैं लेक के सामने. So yeah, that's it. This was my quick trip to one of my favorite places, Kawaguchiko. And I'm happy that I could share these memories with all of you.